वेलकम टू जीके करेंट अफेयर्स पॉइंट फ्रेंड्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है, सुबह 9 बजे डेली जीके का टेस्ट आता है और कंटिन्यू आ रहा है। इसके पहले भी मैंने कितना कम से कम इस सीरीज में 27-28 टेस्ट अभी तक करा दिया है। यदि आप लोगों ने नहीं दिया तो ये आपकी गलती है, ना कि मेरी गलती है। इफ़ यदि आप लोग अपना गलती सुधारना चाहते हैं तो जो टेस्ट नहीं दिया हो आप लोगों ने दे दीजिएगा, क्योंकि इसमें ऐसे क्वेश्चंस कराए जाते हैं जो एग्जैक्ट आपके एग्जाम्स में आएंगे। तो इफ़ यदि आप नहीं करते हैं तो अपने पैरों में खुद कुल्हाड़ी मारते हैं, क्योंकि जब एक बंदा आपको बता रहा है कि आपके एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे, उसके बाद भी आप यदि स्किप करके जाते हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती और लापरवाही मानी जा सकती है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। उसके पहले एक बात बता देते हैं, यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे क्या होगा, डेली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सकेगा। एंड जो टेस्ट इसके पहले भी मैंने 70 सेट्स ऑलरेडी करा दिया है, जिसमें कम से कम 24 साइंस का टेस्ट है, साइंस का सेपरेट टेस्ट है, एंड बाकी जो बचा 24 में से वो जीके का टेस्ट है। ये टेस्ट इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, पहले ये कराया था, अब 100 टेस्ट करवा रहा हूँ जीके का। तो समझिए अपने आप में 170 सेट्स कितना मायने रखता है। आप कोई भी चैनल देख लीजिए जिसके पास 1 लाख प्लस या 2 लाख प्लस सब्सक्राइबर है, वो 170 सेट्स अपने पूरे यूट्यूब के जीवन काल में नहीं कराया होगा, जितना मैं सिर्फ आपको एक सेशन के लिए करा रहा हूँ। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपके सारे क्वेश्चंस यहाँ से आ जाएंगे, बट आप लोग 10 जगह मत घूमिए, यहाँ से अच्छे से कीजिए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नेवी एमआर और एसएसआर में जो जीके आता है ग्रुप वाई में, इतना हार्ड जीके नहीं आता है, जिसमें आपको ज़्यादा झमेला की कोई दरकार नहीं है, बट ज़्यादा नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कर जाइएगा एंड थोड़ा पढ़ के जाइएगा तो आराम से आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई होने वाला है। तो चलिए, और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका नंबर है 8420867425। ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है, एंड हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नंबर है जीके करेंट अफेयर्स पॉइंट। जाके सर्च कीजिएगा जीके करेंट अफेयर्स पॉइंट टेलीग्राम पे, तो आप ऐड हो जाइएगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है देखिए, शायद आपको इसका आंसर बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। व्हेन वाज महात्मा गांधी असैसिनेटेड, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई। पहला ऑप्शन है 30 जनवरी 1950, 30 जनवरी 1948, 2 अक्टूबर 1948, नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो आपका पहला होमवर्क क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई, तो आप बताइए कि महात्मा गांधी की जन्म कब हुई, ठीक है। एंड महात्मा गांधी की हत्या जब हुई, वो उनकी हत्या किसने की थी। फिलहाल इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब होगा, महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को हुई थी, 30 जनवरी 1948, महात्मा गांधी असैसिनेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वोटिंग राइट इन इंडिया, वोटिंग राइट इन इंडिया स्टार्ट एट व्हाट एज, भारत में मत डालने का अधिकार किस उम्र से शुरू होता है, 18 ईयर्स, 21 ईयर्स, 20 ईयर्स या नॉन ऑफ दिस। तो बताइए, पहले भारत में जो वोट देने का एज था वो कितना था, ये तो घटा के किया गया है, पहले कितना था कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि पहले वोट देने का एज था वो कितना था। फिलहाल देखिए इस क्वेश्चन का एकदम सही और सटीक जवाब होगा, 18 वर्ष, भारत में वोट डालने का अधिकार किस उम्र से है, तो 18 वर्ष से है। वोटिंग राइट्स इन इंडिया इन स्टार्ट विद एट द व्हाट एज, तो एट 18 ईयर्स एज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, चले देखते हैं, द हाइएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड इज, विश्व की क्या पूछा है, विश्व की सबसे ऊँची पर्वतीय चोटी कौन सी है, द हाइएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड इज। पहला ऑप्शन है एवरेस्ट, दूसरा ऑप्शन है कंचनजंगा, त्रिशूल या नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको बहुत भली भांति पता होगा, आई थिंक सो, मैंने इतना कराया है तो ये सब क्वेश्चन तो आप लोगों के सामने बहुत आसान है, कभी भी आप लोग कर सकते हैं। तो विश्व की सबसे ऊँची पर्वतीय चोटी एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट, द हाइएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड इज कॉल्ड माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव ऑन करते हैं, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चले देखते हैं, एन अडल्ट हैज, एक अडल्ट में डैश टीथ, कितनी टीथ होती है, एक वयस्क में कितनी दांतें होती है, 22
32, 36 या none of this, इनमें से कोई नहीं। तो एक वयस्क में लगभग 32 दांतें होती है। कितनी? 32 दांतें होती है। मैं इसके साथ साथ ही आपके मैथ्स के लिए कुछ प्रैक्टिस सीट लाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसमें जैसे आपके नेवी एमआर में 12 क्वेश्चन आते हैं या 13 क्वेश्चन, उसी टाइप से एक एक प्रैक्टिस सीट्स होगा। सोच रहा हूँ वैसे भी 30-40 प्रैक्टिस सेट्स करवा दूँ तो मैथ का आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, ओनली फॉर प्रैक्टिस। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन देखिए क्या है, 11 जुलाई। दूसरा ऑप्शन दिखाते हैं, विश्व जनसंख्या दिवस आपसे पूछा गया है, 5 सितंबर, 30 अक्टूबर या नन ऑफ दिस। तो विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ पर अच्छे से देखिए क्या पूछा गया है। विश्व का पूछा गया है जनसंख्या दिवस। तो पहला ऑप्शन यानी 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है एंड किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? दोनों क्वेश्चन आपसे किया जा रहा है। 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है और किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? दो क्वेश्चन का यहाँ जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, किस व्यक्ति के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, चलिए देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कार्पल? कार्पल का नाम आप लोगों ने नहीं सुना होगा, इनमें से कौन सा कार्पल का हिस्सा नहीं है? स्टिग्मा, ओव्यूल, एंथर, नन ऑफ दिस। ये क्वेश्चन बिना मतलब अंतुबड़ा माने, मतलब यदि आपको जेन्युइन पता है तो बहुत बढ़िया। आई थिंक ये क्वेश्चन किसी को जेन्युइन पता हो, अंतुबड़ी मत मारिएगा, अंतुबड़ी मार के कोई फायदा नहीं है। तो देखिए, स्टिग्मा, ओव्यूल, एंथ, ये जो दोनों है कार्पल का हिस्सा नहीं है, बट जो एंथर होता है ना, एंथर, ये कार्पल का हिस्सा है। एंथर जो है ये पार्ट नहीं है एंड स्टिग्मा ओव्यूल इसका पार्ट है। ऊपर क्वेश्चन में पूछा गया नॉट, तो एंथर को छोड़ के स्टिग्मा और ओव्यूल जो है इसका पार्ट है, बट इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी एंथर जो है इसका पार्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, चलिए देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया, देखिए कराया हुआ क्वेश्चन है। व्हेन अ पीस ऑफ आइस फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर इन अ बीकर कम्प्लीटली मेल्ट्स, देन द लेवल ऑफ वाटर विल बी। एक गिलास पानी में तैरता बर्फ का टुकड़ा अगर पूरी तरह पिघल जाए तो पानी का स्तर क्या होगा? इंक्रीज यानी ज़्यादा होगा, रिमेन सेम यानी समान रहेगा, डिक्रीज यानी कम होगा, नन ऑफ दिस, इसमें से कोई नहीं। तो एक गिलास में जब पानी में बर्फ तैरता है, अगर पानी पूरी तरह पिघल बर्फ पूरी तरह पिघल जाए तो पानी का स्तर क्या होगा? आप एक बार घर में प्रैक्टिकली भी कर लीजिएगा। एक गिलास में पानी रखिएगा, उसमें बर्फ़ डालिएगा, देन आप देखिएगा कि उसका जो नाप है वो कहाँ तक जाता है, बढ़ता है या घटता है या रिमेन सेम रहता है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब होगा कि रिमेन सेम रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, चले देखते हैं। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आ सकता है। एड्स किससे होता है? बैक्टीरिया, फंगी, वायरस, ऑल ऑफ दिस। यहाँ पर एड्स पूछा है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ बैक्टीरिया किससे होता है, बैक्टीरिया नहीं, सॉरी बैक्टीरिया तो क्वेश्चन नहीं है। टीवी किससे होता है? ट्यूबरकुलोसिस जो बीमारी होती है वो किससे होती है? टीवी। चार ऑप्शन सेम है आपके पास, ठीक है ना। टीबी का भी बता दीजिए, टीबी का कमेंट बॉक्स में एंड एड्स का यहाँ बताइए। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा एड्स जो है किससे होता है, एड्स जो है वायरस से होता है। एड्स का फुल फॉर्म बताइए, एड्स का फुल फॉर्म आपके एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछा गया, तो एड्स का फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। एंड एड्स जो टेस्ट होता है उसका नाम है एलिसा टेस्ट। एलिसा जो टेस्ट होता है ये भी पूछा जाता है, एलिसा टेस्ट द्वारा एड्स का पता लगाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम से पूछा गया है डिफरेंट एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज नोन एज एनर्जी मॉलिक्यूल इन द लिविंग वर्ल्ड? जीवित संसार में ऊर्जा अणु के नाम से किसे जाना जाता है? जीवित संसार में ऊर्जा अणु के नाम से किसे जाना जाता है? TNT, ट्राइनाइट्रोटोलोन, ATP, ADP, RNA। तो इन चारों का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। इफ़ आप बोलते हैं मुझे नहीं आता, ठीक है, मान सकते हैं आपको नहीं आता है,
बट आप एक काम कीजिए, चारों को गूगल से खोजिए, देन कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। तो इससे क्या होगा ना, ये क्वेश्चन आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ये मैं जो टेक्निक बता रहा हूँ कि आप गूगल में सर्च करते हैं, उसके बाद कमेंट बॉक्स में सेम चीज़ आके टाइप करते हैं, तो आपको वो क्वेश्चन हमेशा के लिए याद हो जाएगा। एंड ये टेस्ट का मेन मकसद क्या है कि आप लोगों को लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चंस कराना, ना कि आपका एबिलिटी चेक करना। आपका एबिलिटी आपके पास है, मुझे क्वेश्चंस करवाना है जो कि आपके एग्जाम्स में डायरेक्ट आ जाए, इसलिए डिफरेंट सेट से क्वेश्चंस करा रहा हूँ आपके एग्जाम्स के लिए ही। तो इसको ऐसे मत सोचिएगा, इसको एक पॉजिटिव वे में लीजिएगा। यदि आपका मार्क्स कम आ रहा है उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, आपने कितना सीखा, कितना प्रैक्टिस हुआ आपका, कितना रिवीजन हुआ, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है इसके लिए। तो जीवित संसार में ऊर्जा अणु के नाम से किसे जाना जाता है? तो ATP को जीवित संसार में ऊर्जा अणु के नाम से जाना जाता है, एनर्जी मॉलिक्यूल के नाम से किसे जाना जाता है? ATP को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, चलिए देखते हैं। व्हाट इज सुनामी? सुनामी क्या है? सुनामी वेरी हाई वेव्स इन सी, समुद्री की ऊंची लहर, साइक्लोन, चक्रवात, हेलिस्टोम, ओलो का गिरना, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो सुनामी का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा बहुत सारे। तो सुनामी है क्या? साइक्लोन तो नहीं है, हेलिस्टोम ओलो का गिरना है क्या, या फिर इनमें से कोई नहीं है? तो देखिए, सुनामी है क्या? सुनामी वेरी हाई वेव्स इन सी, समुद्र की ऊंची लहरों को क्या कहा जाता है? सुनामी। क्या? सुनामी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, चले देखते हैं। इन इंडिया द डिक्लेरेशन ऑफ एनर्जी कैरियर्स, एनर्जी इज कैरिड अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? देश में आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के द्वारा किया जाता है? आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के द्वारा किया जाता है? आर्टिकल 156, 85, आर्टिकल 360, आर्टिकल 352। तो देश में आपातकाल की घोषणा किस आर्टिकल के द्वारा किया जाता है? और भारत में सबसे पहले आपातकाल की घोषणा कब लगी थी, ये भी बताइएगा कि फर्स्ट इमरजेंसी कब लागू हुई थी। फिलहाल इस क्वेश्चन का एकदम सही सटीक जवाब है, देश में आपातकाल की घोषणा आर्टिकल 352 के द्वारा लागू किया जाता है। इन इंडिया द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी कैरिड अंडर आर्टिकल 352 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, चलिए देखते हैं। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके लिए। भांगड़ा जो है, भांगड़ा इज द डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट? भांगड़ा किस राज्य की नृत्य शैली है? पंजाब, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो एक क्वेश्चन आपको यहाँ से होमवर्क जाता है, ऑप्शन सेम रखिएगा। घूमर जो है किस राज्य की नृत्य शैली है? कथक, इसी में से बताइएगा किस राज्य की नृत्य शैली है, ये दो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। घूमर और कथक, इसमें से ऑप्शन सेम रहेगा, ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर देना है, भाखड़ा किस राज्य की नृत्य शैली है, और ये बताइए भाखड़ा नागल बांध किस राज्य में है। यहाँ से एक क्वेश्चन और बता दिए, भाखड़ा से याद आया इसलिए पूछ लिए। तो देखिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा क्या? पंजाब। भाखड़ा किस राज्य की नृत्य शैली है? पंजाब की नृत्य शैली है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चिल्ड्रन डे बाल दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर, 22 दिसंबर, 29 जुलाई, 1 जुलाई। किस व्यक्ति के उपलक्ष में मनाया जाता है? किस व्यक्ति के उपलक्ष में मनाया जाता है बाल दिवस, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है फिलहाल। तो चिल्ड्रन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होगा चिल्ड्रन डे 14 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। टीचर्स डे कब किया जाता है, कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द करेंसी ऑफ भूटान क्या होगा? भूटान देश की मुद्रा क्या है? रुपया है, डॉलर है, दिनार है, या नलुट्रम है? तो फिलहाल आपको बताना है भूटान की राजधानी, कैपिटल भी बताना है कमेंट बॉक्स में। यहाँ मुद्रा पूछा है, मैं आपसे कमेंट में इसकी कैपिटल पूछता हूँ। तो फिलहाल देखिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होना चाहिए? भूटान देश की मुद्रा है नलुट्रम। क्या है? नलुट्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चले देखते हैं। इजी क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला भी।
पीएच ऑफ ब्लड ऑफ द ह्यूमन बॉडी, मानव रक्त का पीएच का मान होता है 8.1, 8.4, 7.4, 9.4। तो पीएच ऑफ ब्लड ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज, तो फिलहाल इस क्वेश्चन का भी सही जवाब देते जाइए। तो पीएच ऑफ द ब्लड ऑफ ह्यूमन बॉडी इज 7.4। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है 7.4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा है। विच इज नोन एज द सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, किसे आत्महत्या की थैली कहते हैं, लाइजोम, राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट या नन ऑफ दिस। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, ये भी कराया हुआ क्वेश्चन है आपको बहुत बार। तो आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, लाइजोसोम इज नोन एज सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, लाइजोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। विच गैस इज रिलीज इन फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस उत्पन्न होती है। ये जो टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण, नेवी एमआर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से एक बार पढ़ के जाइएगा, प्रकाश संश्लेषण के बारे में सारी चीज़ें यहाँ से क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में देखने को मिलता है और कई बार आ चुका है, इसलिए ये फोटोसिंथेसिस जो है प्रकाश संश्लेषण टॉपिक आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। CO2, O2, NO2, H2। तो प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस उत्पन्न होती है, तो बहुत आसान और सरल जवाब है, प्रकाश संश्लेषण में O2 यानी ऑक्सीजन गैस उत्पन्न होती है। O2 गैस इज रिलीज्ड इन फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। विच विटामिन इज एंटी इन्फेक्शन विटामिन, इनमें से कौन रोग प्रतिरोधक विटामिन है। पहला ऑप्शन है विटामिन डी, दूसरा ऑप्शन है विटामिन ई, विटामिन ए या नन ऑफ दिस। तो रोग प्रतिरोधक विटामिन है, इनमें से कौन सी है, याद रखिएगा विटामिन ए से रतौंधी नामक रोग होती है, विटामिन डी से रिकेट्स होती है, विटामिन ई से कौन सी रोग होती है कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए। जो भी विटामिन है सब का रासायनिक नाम, सब की कमियाँ कम से कम आप ज़रूर याद रखिए। आंवले में विटामिन सी मिलता है, विटामिन सी को गर्म करते हैं तो विटामिन सी नष्ट हो जाता है, विटामिन सी हमें धूप से मिलता है, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपके एग्जाम्स में पूछी जाती है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का एकदम सही सटीक जवाब क्या होना चाहिए, तो देखिए इसमें से बहुत अच्छी बात है कि नन ऑफ दिस इसका आंसर होगा। इसमें से कौन सा ऐसा विटामिन है जो एंटी इन्फेक्शन विटामिन है, तो फिलहाल इसमें से कोई विटामिन एंटी इन्फेक्शन विटामिन नहीं है अकॉर्डिंग टू योर ऑप्शन। बट आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि एंटी इन्फेक्शन विटामिन का नाम क्या है, क्या आप इसको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इफ़ आपको नहीं पता गूगल से पूछिए, देन कमेंट बॉक्स में बताइए, तो वो आंसर आपको हमेशा के लिए याद हो जाने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम्स की दृष्टि से। विच गैस इज रिलीज फ्रॉम पैडी फील्ड, इनमें से कौन सी गैस धान की खेत से निकलती है, CH4, N2, CO, इनमें से कोई नहीं। तो धान की खेत से कौन सी गैस निकलती है, आप लोग बहुत सारे लोग खेती पे भी ध्यान देते होंगे तो आपको पता होना चाहिए कि धान की खेती से कौन सी गैस निकलती है। फिलहाल देखिए धान की खेती से CH4 गैस निकलती है, कौन सी गैस निकलती है, CH4 गैस धान की खेती से निकलती है। इसके बाद आखिरी क्वेश्चन है, इसके पहले अभी तक लाइक नहीं किया, वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, इतना काम यदि आप टेस्ट दे रहे हैं तो डेली कर दिया कीजिए, डेली टेस्ट दे रहे हैं डेली लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दिया कीजिए। तो चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विच ब्लड ग्रुप इज नोन एज यूनिवर्सल डोनर, रक्त का कौन सा ग्रुप सर्वदाता होता है, O-AB, O+AB। सर्वदाता आपसे पूछा है, मैं आपसे कमेंट में पूछ रहा हूँ सर्वग्राही कौन सा है, सर्वग्राही आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। सर्वदाता पूछा गया है, सर्वदाही कमेंट बॉक्स में बताना है। तो फिलहाल देखिए
वो नेगेटिव होगा ये वो पॉजिटिव होगा, बात यहीं पर ही फंस जा रहा फंस रहा ना। आप लोग भी इसी में कन्फ्यूजन हो रहे हैं, ए बी कौन सा होगा। तो ओ नेगेटिव जो होता है वो जो होता है क्या, यूनिवर्सल डोनर है, इसको यूनिवर्सल डोनर के नाम से जाना जाता है। तो आज का आपका टेस्ट समाप्त हुआ, 20 क्वेश्चन में आपका कितना राइट हुआ कमेंट बॉक्स में बताइए और सही सही बताइएगा। एंड जिसने भी पहले का टेस्ट मिस किया है उससे रिक्वेस्ट है कि पहले का टेस्ट जाके दे दीजिए, जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर कीजिए, टेस्ट को शेयर कीजिए, ताकि वो भी अपना टेस्ट दे सके एंड अपने एग्ज़ाम्स के लिए बेटर प्रिपरेशन कर सके। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्दी भेंट होगी।